टुडे इज सिक्स डे एंड वी आर इन बर्गन, वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस इन नॉर्वे। आज है डे सिक्स और हम आ गए हैं बर्गन। बर्गन में थोड़ा सा बारिश हो रहा है, बट फिर भी यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नज़ारा कितना सुंदर है। और आप अभी हम जा रहे हैं क्रूज़ में, ये क्रूज़ हमको 3 घंटा बहुत अलग अलग जगह पर लेकर जाएगी एंड आई वुड लाइक टू शो यू, सो लेट्स गो ऑन द क्रूज़। नाउ वी आर लीविंग बर्गन एंड वी आर गोइंग इन अ स्मॉल क्रूज़ small boat to explore this Bergen city, and you can see this historical Bergen city. I think this is really a happening place. नॉर्वे ट्रिप में मौसम का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार यहाँ मौसम चेंज हो जाता है। जैसे कि आज के दिन हमको बर्गन में बारिश मिली और बारिश की वजह से हम बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, बट वैसे देखा जाए तो मौसम काफ़ी ठीक था। बट अगर बारिश ना होती तो शायद और कुछ एक्टिविटी हम कर पाते और ये बर्गन ट्रिप और अच्छी हो जाती। बट वैसे देखा जाए तो क्रूज़ पर जाते जाते हमको बहुत सारे एक पहाड़ियों पर घर दिख रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ये जो क्रूज़ है बहुत नैरो रास्ते से जा रही है, इसलिए इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ रही है। और इसकी स्पीड देखा जाए तो काफ़ी कम है, बट फिर भी जाते जाते बहुत सारे जो साइड में घर आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, बट ये घर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। नॉर्वे का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा टनल्स आते हैं और बहुत अलग अलग टाइप के ब्रिजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये ब्रिज ये बनाया गया है, ये दिखने के लिए काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आप उसकी फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। इस क्रूज़ पर हमको छोटे छोटे आइलैंड्स पर ये जो घर दिख रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, हालांकि इसमें कोई लोग रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि ये घर जो कि अभी एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है, बट ऐसे मैंने सुना कि ये जो घर है ये बर्गन के वन ऑफ द वेल्दी फैमिली से आता है और वो ये इसको ओन करते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप नॉर्वे आ रहे हैं तो यू कैन प्लान टू स्टे हेयर एज वेल, क्योंकि ये अभी ये होटल में कन्वर्ट हो चुका है। नॉर्वे ट्रिप की खासियत ये है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे वाटरफॉल्स मिल जाते हैं और वो रियली ब्रेथ टेकिंग व्यू देते हैं। और वैसे ही देखा जाए तो ये एक वाटरफॉल हमको मिला जो कि काफ़ी खूबसूरत था, और इसकी यूनिक बात ये थी कि इस वाटरफॉल के पीछे से हम वॉक कर सकते हैं, और इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ अपनी कार पार करके उसके पीछे जा रहे थे और एक्सपीरियंस ले रहे थे। चलो देखते हैं कि अगर इस वाटरफॉल के हम पीछे से जाते हैं तो इस किस प्रकार से नज़ारा दिखेगा, सो लेट्स गो। जर्नी के दौरान आपको हमेशा ये लगेगा कि कहीं पर आपको रुकना है और वहाँ पर आपको फ़ोटो खिंचाना है, क्योंकि हर एक जगह बहुत ही खूबसूरत है और ब्रेथ टेकिंग है। वैसे ही एक जगह है जहाँ से हमको बहुत सारी पहाड़ियाँ दिख रही थी और पहाड़ियों पर स्नो जमा हुआ दिख रहा था जो कि काफ़ी खूबसूरत था। वैसे देखा जाए तो वेदर उतना अच्छा नहीं था इसलिए फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं आई है, बट दिस वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। यूरोप में ट्रैफिक जाम बहुत कम होते हैं और उसका वो एक मेन रीज़न ये होता है ये राउंड अबाउट,
ये राउंड अबाउट की कंसेप्ट काफ़ी यूनिक है, इसके बहुत सारे रूल आते हैं और मैंने ये देखा कि जाते जाते एक टनल में भी ये राउंड अबाउट आ गया है और ये राउंड अबाउट बहुत ही बड़ा और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और ये राउंड अबाउट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा यूरोप में है क्योंकि इस राउंड अबाउट की वजह से ट्रैफिक जाम काफ़ी कम होते हैं। ये जो नेचर है और ये जो खूबसूरती है इसको कैमरे में कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी मैंने ये कोशिश की है। वैसे देखा जाए तो ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ आने के बाद ही मिल सकता है, बट या आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर इन माई कैमरा। तो ये और एक वाटरफॉल हमको जाते जाते मिला, हालांकि यहाँ तक आने के लिए कार पॉसिबल नहीं थी इसलिए हमने कार 1 किलोमीटर दूर ही पार्क की है और वहाँ से हमने वॉक करते करते यहाँ पर आए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत हमको लगा। देसी गाने और ट्रैवलिंग इन नॉर्वे ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन है और इसके वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अभी हम जा रहे हैं फ्रॉम बर्गन टू ओस्लो, जो कि हमारा एंड डेस्टिनेशन तो नहीं है क्योंकि हम वहाँ से ओस्लो से हमको स्टॉकहोम भी जाना है, बट यहाँ तक भी काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारे आए हैं। जाते वक्त हमको और एक वाटरफॉल मिला जो कि शायद नॉर्वे का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और यहाँ पर बहुत सारे अरेंजमेंट भी किए हैं जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं काफ़ी डीप तक या क्रॉस कर सकते हैं दो बड़े बड़े हिल्स, और ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नायाब नमूना आप देख सकते हैं कि कैसे टूरिस्ट एक हिल से दूसरे हिल जा सकते हैं और इस वाटरफॉल को काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और ये वाटरफॉल मुझे लगता है अब तक का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल था और ये हमको लगा बर्गन से ओस्लो जाते वक्त, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए इन नॉर्वे। और नॉर्वे से बाहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बट जाते जाते हमको ये पहाड़ियाँ मिली और यहाँ से ट्रैवलिंग करने का ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस था मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत ही नो मैंस लाइट टाइप था, बहुत सारी जगह पर स्नो भी पड़ी थी, रास्ता बहुत छोटा था और ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और ऐसे लग रहा था कि हम कहीं अलग दुनिया में आए हैं और ये नॉर्वे जर्नी जो है कभी ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए और ऐसे ही चलनी चाहिए, बट हर एक अच्छी चीज़ को जैसे कि एंड होता है उसी तरह हम कुछ ही समय में ओस्लो पहुंच जाएंगे और वहां पर हमारा एक स्टे है और उसके बाद हम दूसरे दिन निकलेंगे स्टॉकहोम के लिए और स्टॉकहोम विल बी आवर लास्ट डेस्टिनेशन। सो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा और जब भी आप अपनी जर्नी नॉर्वे के लिए प्लान करेंगे तो ये जो मैंने 4 सीरीज़ बनाई है नॉर्वे ट्रिप की 7 डेज़ ज़रूर देखिए, आपके नॉर्वे ट्रिप काफ़ी अच्छी तरह से प्लान कीजिए क्योंकि बहुत सारी जगह है देखने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए, बट मनी एंड टाइम कंस्ट्रेंट है इस जर्नी के लिए, इसलिए आपकी जर्नी काफ़ी तरह से अच्छी प्लान कीजिए एंड आई रियली विश यू शुड हैव बेस्ट वैकेशन इन नॉर्वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, सी यू सून।